सलाम साथियों, मेरा नाम मनीष है और कविता बोल पर आपका स्वागत है। आप लोग मनोज वाजपेयी को तो जानते ही होंगे, उनको कौन नहीं जानता। 2003 में उर्मिला मातोंडकर के साथ उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पिंजर। भारतीय फिल्मों में इंटरेस्ट रखने वाले बहुत से लोग इस फिल्म के दीवाने हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो आपको देखना चाहिए। हम इस फिल्म की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिन अमृता प्रीतम के नॉवेल को आधार बनाकर ये फिल्म बनाई गई उसका नाम भी पिंजर ही था और इसे फिल्म के आने से काफ़ी पहले सन 1950 में लिखा गया था। आज यानी कि 31 अगस्त 2020 को अगर अमृता होती तो पूरे 101 बरस की होती। उनका जन्म 1919 में ब्रिटिश इंडिया के गुजरांवाला में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। कविता बोल के इस खास एपिसोड में हम उनकी 5 चुनिंदा कविताएं आपके लिए लेकर आए हैं। इन कविताओं को हमारे 5 अलग अलग साथियों ने पढ़ा है और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये पेशकश पसंद आएगी। इसी के साथ आइए आज की पहली कविता सुनते हैं जिसका शीर्षक है ए मेरे दोस्त। कविता बोल के लिए ये कविता पढ़ रही हैं अंजलि शर्मा, हरियाणा के गुड़गांव से। मेरे दोस्त, मेरे अजनबी, एक बार अचानक तू आया, वक्त बिल्कुल हैरान मेरे कमरे में खड़ा रह गया। सांझ का सूरज अस्त होने को था पर ना हो सका, और डूबने की किस्मत वो भूल सा गया। फिर आदि के नियम ने एक दुहाई दी और वक्त ने उन खड़े क्षणों को देखा और खिड़की के रास्ते बाहर को भागा। वह बीते और ठहरे क्षणों की घटना अब तुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है और मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है, और शायद वक्त को भी फिर वह गलती गवारा नहीं। अब सूरज रोज वक्त पर डूब जाता है और अंधेरा रोज मेरी छाती में उतर आता है, पर बीते और ठहरे क्षणों का एक सच है, अब तू और मैं मानना चाहें या नहीं यह और बात है, पर उस दिन वक्त जब खिड़की के रास्ते बाहर को भागा और उस दिन जो खून उसके घुटनों से रिसा, वह खून मेरी खिड़की के नीचे अभी तक जमा हुआ है। धन्यवाद। हमने शो के शुरुआत में जिस तरह पिंजर फिल्म की बात की, जो लोग अमृता प्रीतम को कम जानते हैं या बिल्कुल नहीं जानते उन्हें लग सकता है कि ये नॉवेल ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल अमृता पंजाबी भाषा में कविता, उपन्यास और निबंध लेखन में सबसे पहली महिला और सबसे बड़े नामों में से एक हैं। आज आइए उनकी दूसरी कविता सुनते हैं जिसका शीर्षक है शहर। इस कविता को हमारे लिए पढ़ रही हैं मंजरी शुक्ला, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। मेरा शहर एक लंबी बहस की तरह है, सड़कें बेतुकी दलीलों सी और गलियां इस तरह जैसे एक बात को कोई इधर घसीटता कोई उधर। हर मकान एक मुट्ठी सा भींचा हुआ, दीवारें किचकिचाती सी और नालियां ज्यों मुंह से झाग बहता है। यह बहस जाने सूरत से शुरू हुई थी जो उसे देखकर या और गर्माती, और हरिद्वार के मुंह से फिर साइकिलों और स्कूटरों के पहिए गलियों की तरह निकलते और घंटियां हॉर्न एक दूसरे पर झपटते। जो भी बच्चा इस शहर में जन्मता पूछता कि किस बात पर यह बहस हो रही, फिर उसका प्रश्न ही एक बहस बनता, बहस से निकलता, बहस में मिलता। शंख घंटों के सांस सूखते रात आती, फिर टपकती और चली जाती,
पर नींद में भी बहस खत्म ना होती। मेरा शहर एक लंबी बहस की तरह है। धन्यवाद। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद वे पाकिस्तान छोड़कर यहाँ भारत में हमारे आपके बीच रहने आ गईं। वे उन बहुत कम कलाकारों में गिनी जाती हैं जिनके चाहने वाले जितने हिंदुस्तान में हैं उतने ही पाकिस्तान में भी हैं। उनकी लेखनी में भारत पाकिस्तान के बंटवारे का दर्द भी बहुत दिखता है और साथ में एक प्रोग्रेसिव लेखिका और कवियत्री के रूप में उन्हें याद किया जाता है। हम उनकी जो अगली कविता पढ़ रहे हैं आपको उसमें ऐसी ही एक झलक देखने को मिलेगी। इस कविता को हमारे लिए पढ़ रही हैं अंकिता रासुरी और इस कविता का नाम है मैंने पल भर के लिए। आइए सुनते हैं। मैंने पल भर के लिए आसमान को मिलना था पर घबराई भी खड़ी थी कि बादलों की भीड़ से कैसे गुजरूंगी। कई बादल स्याह काले थे, खुदा जाने कब के और किन संस्कारों के कई बादल गरजते दिखते जैसे वे नसीब होते हैं राहगीरों के। कई बादल शुकते चक्कर खाते खंडरों के खोल से उठते खतरे जैसे कई बादल उठते और गिरते थे कुछ पूर्वजों की फटी पत्रियों जैसे। कई बादल घिरते और घूरते दिखते कि सारा आसमान उनकी मुट्ठी में हो और जो कोई भी इस राह पर आए वह जर खरीद गुलाम की तरह आए। मैं नहीं जानती कि क्या और कैसे कहूँ कि काया के अंदर एक आसमान होता है और उसकी मोहब्बत का तकाजा वह कायनाती आसमान का दीदार मांगता है। पर बादलों की भीड़ का यह जो भी फिक्र था या फिक्र उसका नहीं मेरा था, उसने तो इश्क की कानी खा ली थी और एक दरवेश की मानिंद उसने मेरे श्वासों की धुनी राम ली थी। मैंने उसके पास बैठकर धुनी की आग छेड़ी, कहा ये तेरी और मेरी बातें, पर यह बातें बादलों का हुजूम सुनेगा तब बता योगी मेरा क्या बनेगा। वह हंसा नीली और आसमानी हंसी, कहने लगा ये धुएं के अंबार होते हैं, घिरना जानते गर्जना भी जानते निगाहों की वर्जना भी जानते, पर इनके तेवर तारों में नहीं उगते और नीले आसमान की देही पर इल्जाम नहीं लगते। मैंने फिर कहा तुम्हें सीने में लपेटकर मैं बादलों की भीड़ से कैसे गुजरूंगी और चक्कर खाते बादलों से कैसे रास्ता मांगूंगी। खुदा जाने उसने कैसी तलब पी थी, बिजली की लकीर की तरह उसने मुझे देखा, कहा तुम किसी से रास्ता न मांगना और किसी भी दीवार को हाथ ना लगाना, नहीं घबराना न किसी के बहकावे में आना, बादलों की भीड़ में से तुम पवन की तरह गुजर जाना। अपने जिंदगी के आखिरी 40 बरस अमृता मशहूर पेंटर और लेखक इमरोज के साथ रहीं। इस पर बाद में एक किताब भी आई, इसका नाम था अमृता इमरोज अ लव स्टोरी। हालांकि उनके बारे में बहुत लोगों का ये मानना है कि उन्होंने अपने समय के मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी से बहुत टूटकर मोहब्बत की और अपनी कुछ रचनाओं में बहुत खुलकर अपने जज्बात भी बयां किए। ऐसी ही एक रचना हमारी अगली पेशकश है जिसका उनवान है सिगरेट। इस बहुत ही खास कविता को कविता बोल के लिए पढ़ रही हैं बिहार के पटना से भारती द्विवेदी। आइए सुनते हैं। यह आपकी बात है, तूने ये बात सुनाई है, यह जिंदगी की वो ही सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी, चिंगारी तूने दी थी, ये दिल सदा जलता रहा, वक्त कलम पकड़कर कोई हिसाब लिखता रहा,
14 मिनट हुए हैं इसका खाता देखो, 14 साल ही हैं इस कलम से पूछो। मेरे इस जिस्म में तेरा सांस चलता रहा, धरती गवाही देगी धुआं निकलता रहा। उम्र की सिगरेट जल गई मेरे इश्क की महक, कुछ तेरी सांसों में कुछ हवाओं में मिल गई। देखो ये आखिरी टुकड़ा है, उंगलियों में से छोड़ दो, कहीं मेरे इश्क की आज तुम्हारी उंगलियां ना छू ले। जिंदगी का अब गम नहीं, इस आग को संभाल ले, तेरे हाथ की खैर मांगती हूँ, अब और सिगरेट जला ले। अमृता प्रीतम अपने समय में पंजाबी भाषा की सबसे मुखर लिखने वाली महिलाओं में शुमार रहीं। उन्होंने अपने करियर में भारतीय साहित्य के तमाम बड़े पुरस्कार हासिल किए, मसलन 1956 में साहित्य अकादमी, 1969 में पद्मश्री से लेकर 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ और 2004 में पद्म विभूषण तक प्राप्त किया। साहित्य और कविताओं में इतनी प्रखरता और मुखरता से अपनी आवाज बुलंद करने वाली इस शख्सियत के जन्मदिन पर हम आप सब लोगों के लिए और देश और दुनिया के बाकी हिस्सों में उनके चाहने वालों के लिए शुभकामनाएं भेजते हैं। इस खास पेशकश की आखिरी कविता पढ़ रही हैं वो शख्सियत जो अब तक पर्दे के पीछे से कविता बोल के सारे वीडियोस एडिट करती रही हैं। ओडिशा की रहने वाली हैं और दिल्ली में रहती हैं। कविता का नाम है मैं तुझे फिर मिलूंगी और पढ़ने वाले का नाम है विश्वजीता राउत। आइए सुनते हैं। मैं तुझे फिर मिलूंगी कहाँ कैसे पता नहीं, शायद तेरे कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवस पर उतरूंगी, या तेरे कैनवस पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी कहाँ कैसे पता नहीं, या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूंगी, या रंगों के बाहों में बैठकर तेरे कैनवस पर बिछ जाऊंगी। पता नहीं कहाँ किस तरह पर तुझे जरूर मिलूंगी, या फिर एक चश्मा बनी जैसे झरने से पानी उड़ता है मैं पानी की बूंदे तेरे बदन पर मलूंगी, और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूंगी। मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा यह जन्म मेरे साथ चलेगा, यह जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हे की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूँगी। मैं तुझे फिर मिलूँगी कहाँ कैसे पता नहीं, मैं तुझे फिर मिलूँगी। धन्यवाद। दोस्तों आपके लिए ये शो लिखा था मैंने यानी मनीष कुमार यादव ने। आपको ये शो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। इसके अलावा आप अपनी फरमाइशें भी हमें भेजते रहें, हम अपने सभी दोस्तों की फरमाइशों पर अमल करते हैं, और हम इसके साथ ये आशा भी करते हैं कि आप हमेशा अपनी मोहब्बतों और दुआओं में हमें याद रखेंगे। इसी के साथ अलविदा, फिर मिलेंगे।